Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. कहाँ इधर देखिए किसी का चोट मैडम जरा इधर देख के निकल निकलेगा 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 निकलना चालू हो गया और एक और निकलेगा निकलेगा जब तक निकलेगा नहीं आप जा नहीं सकते ये अच्छा ये पोजीशन एक्चुअली सर मेरे से ये होता यहाँ पे मुझे करना ठीक है थोड़ा सा नीचे और कीजिए अरे कमाल छा गए सर आइए बकोटिया साहब मैं आपका एग्जांपल देना चाहता हूँ इस पे उन दिनों की बात है अराउंड 92-93 के आसपास बच्चे को हो गया तो माँ तो करने ही नहीं दी थी और नीचे हो गया निकल गया मैं सेंट्रल जेल में पहुंची था तो नाइट ड्यूटी करके आया घर पे मेरी वाइफ सुबह सुबह 8 बजे ड्यूटी के लिए जा रही थी तो जब बच्चा रोता है तो मदर जो क्या करती है आपने आपने देखा कि लड़की भी अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुई यस लेडी भी तो साड़ी भी कर सकती है ठीक है वी कैन हैव एवरीबॉडी हु कैन डू इट इसके लिए आपको सिर्फ 2 हाथ चाहिए और एक्चुअल में पैर से भी कर सकते हो सर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है तो मुझे हाथ निकालने की जरूरत है और कट 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 करिए तो आपने हवा में पकड़ा होगा तो अच्छी फोटो बनती है डॉक्टर साहब जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मैं देख रहा जैसे अगर किसी इंसान के अंदर पानी घुस जाए उसको आप बता रहे कैसे पुश करके उसको बचाया जा सकता है जी हाँ ये जो आज डेमोंस्ट्रेट किया है जो खाने के जो टुकड़े हैं या खाने का जो ग्रास बोलते हैं हम उसको वो जो फंस जाता है गले में कई बार सांस की नली में उसको निकालने का तरीका सिखाया जा रहा है और ये मुझे लगता है सभी को आना चाहिए घर में भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में ही होती है घर में भी तो हम खाना खाते हैं कभी कभी वहाँ भी होते हैं तो घर के हर इंसान को जो भी एडल्ट है जो इस तरह कर सकता है उसको ये ट्रेनिंग होनी चाहिए डॉक्टर देर के अंदर होनी चाहिए मैंने अभी बताया कि इवन मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे वो करना पड़ा था और मैं तो डरा हुआ था कि लो यदि बच्चा मर गया तो कहेंगे डॉक्टर के हाथ में बच्चा मर गया है ठीक है क्या होता है जो अपने को होता है तो ये आदमी होश खो बैठता है उस टाइम पे इस चीज ध्यान ही नहीं रहती और सीधा डॉक्टर को याद करता है या हॉस्पिटल में सीधा लेके जाता है तो उनको कैसे उस टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए नहीं यदि किसी को ट्रेनिंग है तो उसको फट से याद आता है कि मैंने इस तरह की ट्रेनिंग की हुई है और मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप भी इस तरह की जैसे अभी बताया है कि जर्नलिस्ट को भी 52 वीक्स में सबको ट्रेन किया जा सकता है एक एक को तो आप उसका लाभ उठाएं उसकी ट्रेनिंग लीजिए जो आज का ये यहाँ पे इतना अच्छा आपने एक लोगों को समझा कि कैसे किसी की जान रोटी का टुकड़ा फंस जाए या पानी में भी ऐसे हादसे हो जाते हैं उसको कैसे बचाया जाए जैसे अभी आप पुश करके भी बता रहे थे लोगों को ट्रेनिंग की आपने बात की कि ट्रेनिंग भी लोगों को आप देंगे तो थोड़ा बताइए हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार और भारत सरकार के मिलके एक परफेक्ट हेल्थ मेले का आयोजन कर रहा है 18 से 20 जहाँ पे हजारों की तादाद में हम लोगों को ये सिखाने वाले हैं मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा करना और मरा हुआ आदमी अगर चोकिंग से है यानी कि सांस की नली में खाना फंस गया है फिर तो कोई भी आदमी देखिए ये आदमी का ये खाने की नली के अंदर में ये खाना उसका फंस गया अगर ये खाना उसका फंस गया तो उस फंसा हुआ आदमी वो मर गया गिर गया 3 मिनट में वो मर जाएगा अगर उसकी सांस बंद हो गई तो उस आदमी को अगर मैं ऐसे खड़े होके ये देखिए मैं यहाँ पे देखिए नोट करिए इसको अगर मैं करता हूँ तो ये खाना बाहर निकल गया और वो एकदम से सांस ले लेगा और वो जिंदा हो जाएगा उसके साथ में सो ये टेक्निक हम मेले के अंदर में दिल्ली सरकार और भारत सरकार के साथ में सब लोगों को सिखाने वाले हैं थैंक यू सर अगर आप जो कैंप लगा रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कैसे संपर्क करें कोई आदमी जिसको आपसे 18-19-20 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में सब लोग सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आ सकते हैं और ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और ये निःशुल्क है क्या सर्टिफिकेट भी नहीं सर्टिफिकेट कोर्स दिल्ली रेड क्रॉस सोसाइटी का है वो सैटरडे को एशिया 344 विलेज में होता है उसमें आपको रजिस्टर करना होता है वो BLS प्रोवाइडर का कोर्स है उसमें 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है ये जी हाँ उसके 2600 रुपये चार्ज होते हैं 2300 रुपये प्लस 300 रुपये किताब के वो दिल्ली रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रोग्राम है लाइक शेयर एंड कमेंट
टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।